हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं बचे हुए चावल का टिक्की बनाने जा रही हूँ, कटलेट। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट मैंने एक इस वाले कटोरी से मैंने एक कटोरी के लगभग चावल लिए हैं। ओनियन कटा हुआ है, इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट बेसन है, आप देख सकते हैं। समय स्वादानुसार नमक, अदरक, कद्दूकस किया हुआ जीरा पाउडर, सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, लाल मिर्च, टमाटर, थोड़ा सा सब्जी आप जो चाहे सो ऐड कर सकते हैं, और भी शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती, हरा मिर्च सबका भी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली नहीं डाला है, मेरे पास अभी धनिया पत्ती अवेलेबल नहीं थी, इस कारण मैंने सबसे पहले इसमें बेसन डाले, उसके बाद में कद्दूकस किया हुआ आलू डालें, उसके बाद सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दें। अदरक एक इंच के लगभग का मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिए हैं, एक प्याज को मैंने कट कर लिए हैं। सारी सामग्रियों को आप डाल दें, इसी तरह आप इन सब सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, अब इन सबको ऐसे करके आप इस सबको मिक्स कर लें। और टिक्की का अगर आपको लगे कि ये गीला है तो थोड़ा सा बेसन और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल सकते हैं। इधर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिए हैं धीमी फ्लेम पर, मैं अभी फ्लेम धीमी रखी हुई हूँ, तो धीमी एंड लो फ्लेम पर आप ही रख कर गर्म, आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें आप टिक्की के रूप में लें, इस तरह से आप भी डाल दें और इसे पलट करके देखिए, मैंने एक पलट भी लिए हैं इस तरह से, आप भी पलटते आप देख सकते हैं गर्मा गर्म कटलेट चावल के कितने प्यारे और अच्छे लग रहे हैं। आप इसे मीठी